कुछ लोगों के पलकों पे अंदर की तरफ कुछ चिकनाई की गांठें पड़ जाती हैं और खासकर ये फीमेल्स में मिडल एज में यानी कि 40-45 साल की एज में बहुत कॉमनली देखी जाती है। ये पीली गांठें होती हैं और ये खासकर दोनों तरफ होती हैं आंखों के, यानी कि इस साइड अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ और ये यहाँ पर बन जाती हैं, तो इसको बोलते हैं ज़ेंथलाज़मा। और ये एक मेडिकल टर्म है। और ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, आप इसको घर पे इसका क्या उपचार कर सकते हैं, डॉक्टर के पास क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये ज़ेंथलाज़मा या चिकनाई की गांठें एक सीरियस बीमारी को भी इंडिकेट कर सकती हैं। ये जब बनती हैं, जब आपके ब्लड में ज़्यादा चिकनाई हो, यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड हो, ज़्यादा लिपिड्स हो, अगर ये बन रही हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि ब्लड में आपके ज़्यादा चिकनाई है। अब ज़्यादा चिकनाई होती है तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, फिर आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, या स्ट्रोक का, दिमाग की नस फटने का, या पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है, या किसी और बीमारी का जिसमें खून का दौरान रुक जाता है तो उसका खतरा बढ़ जाता है। तो इसको जब भी आपको आंखों पे ऐसा कुछ दिखे तो इससे अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल यानी कि खून में चिकनाई की जाँच ज़रूर करनी चाहिए, सो दैट आपको पता लग जाए कोई और कारण है या ये चिकनाई आपके शरीर में बढ़ गई है, क्योंकि इसके कुछ और भी कारण होते हैं। अब कुछ और कारणों की बात करें, एक तो हो गया चिकनाई ज़्यादा बढ़ना शरीर में, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग में, या जो मोटापा बहुत है, या उनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है, थायराइड में या गुर्दे की बीमारी में भी देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में यानी कि जब थायराइड का हार्मोन कम होता है तो उसमें ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है। आप कुछ दवाइयाँ जैसे कि कंट्रासेप्टिव पिल हो गई, या स्टेरॉइड्स हो गई, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कि दौरे को रोकती हैं, या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, या डायूरेटिक्स जो कि सूजन उतारने के लिए, पेशाब लाने के लिए दवाई दी जाती हैं डायूरेटिक्स, उनसे भी ये हो सकता है। बीटा ब्लॉकर्स जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई है, या दिल की धड़कन नॉर्मल करने के लिए दी जाती हैं, उससे भी ये हो सकते हैं। तो ये हो गए इसके कारण। अब ट्रीटमेंट की बात करें, घरेलू उपचार बताने से पहले मैं मेडिकल ट्रीटमेंट वो बता देता हूँ। तो ऐसा जिसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि कोई टैबलेट हो या कोई ऐसा जिसे खाकर आप ठीक हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। और सबसे प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर आपने इसको एक बार निकला भी दिया डॉक्टर के थ्रू या अपने होम रेमेडीज से, तो ये दोबारा बन जाती हैं। तो वैसे तो ये इनसे कोई खतरा नहीं होता या कोई परेशान नहीं कर रहे होते आपको, सिर्फ कॉस्मेटिकली देखने में बुरे लग रहे होते हैं, पर कई बार ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और आपको दर्द भी करने लगते हैं, या आपको पलकों पे कुछ भारीपन, डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, तो फिर आपको इसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए सिंपल जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं वो ये है, या तो सर्जिकली इसको एक ब्लेड से इसको निकाल देते हैं, उसमें स्कार वगैरह पड़ सकता है आपके और 4 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर दूसरा इसका ऑप्शन होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है केमिकल से, यानी कि केमिकल कॉटराइजेशन, क्लोरिनेटेड एसिटिक एसिड होता है वो आपके लगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत जलन वगैरह आपको होती है क्योंकि वो एसिड है, केमिकल है, ये 2-3 सीटिंग में आपका वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। पर फिर यही मैंने जैसे बताया, एक तो निशान पड़ सकता है इससे या फिर दोबारा वापस आने के चांस इसमें रहते ही हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है क्रायोथेरेपी। क्रायो का मतलब होता है बर्फ यानी कि ठंडक। तो इसमें कुछ ऐसी जैसे ठंड से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं उसको बार बार रिपीट करके दिया जाता है, तो उससे भी आपका ये ख़त्म हो जाता है, पर इससे भी निशान पड़ने का आगे चांस बने रहते हैं। एक और कारगर ऑप्शन है वो है लेज़र थेरेपी से। उसमें लेज़र थेरेपी से आपकी कुछ रेस के थ्रू निकाल दिया जाता है और आपको इसमें बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई दर्द वगैरह नहीं होता, पर इसमें भी आगे चल के वापसी के चांस रहते हैं। अगर आप डाइट साइड अपना लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं रखेंगे, चिकनाई शरीर में बढ़ेगी, तो ये वापस आ सकते हैं और निशान भी हल्का फुल्का पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों होम रेमेडीज़ की, कि आप घर पर रह के इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ में लहसुन, लहसुन को अगर आप काट के उसको बीच में से उसका रस अगर आँख पे इस पर रगड़ते हैं, थोड़ी जलन होगी क्योंकि इसमें भी एक तरीके का एसिड ही होता है, इससे केमिकल, पर आप इसको रिपीटेडली दिन में 3-4 बार कई बार करते हैं तो कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ हैं, थोड़ा स्लो एक्शन होता है इसका, तो कुछ महीनों में आपका वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से आप प्याज का रस और उसमें अगर आप नमक मिक्स करके, नमक को ऐड करके रात भर छोड़ देते हैं, फिर सुबह इसको लगाते हैं और फिर इसको 15-20 मिनट वॉश कर लेते हैं, ऐसी दिन में 2-3 बार करते हैं, तो आगे चल के इससे भी आपको इस गांठ में, ज़ेंथलाज़मा में फ़ायदा होता है, इन गांठों में फ़ायदा होता है। अगर केले का छिलका
और ख़ासकर उसको छोटे छोटे पीस लेके, अगर उसका अंदर वाली साइड जो वाइट साइड होती है, अंदर की साइड अगर आप उसको लगा के छोड़ देते हैं रात भर, टेप से चिपकाना पड़ेगा ऑब्वियस है, आपको रात भर ऐसे रुकेगा नहीं। तो आप मल्टीपल सिटिंग्स में यानी कि कई बार अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है। इसी तरीके से आप कैस्टर ऑयल या विनेगर को भी रुई में डिप करके अगर आप इसको दिन में 3-4 बार लगाते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो इससे आगे वाले आने वाले टाइम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ये ख़त्म हो सकता है धीरे धीरे करके। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ होम रेमेडीज़। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वैसे तो कोई सीरियस बीमारी नहीं है, पर एक बार आपको जब ये हो तो अपनी चिकनाई की जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन होती है डिसलिपिडेमिया, यानी कि उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड जिससे कि हार्ट अटैक आता है, ठीक है, ये चीज़ें बड़ी हुई मिल जाती हैं। तो फिर आपको उसके लिए लाइफस्टाइल अपना चेंज करना होता है, एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, डाइट में ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह जिसमें चिकनाई ज़्यादा पड़ती हो, बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड जिनसे कैलोरीज ज़्यादा हो, जिसमें वो भी अल्टीमेटली चिकनाई बनाती हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपसे इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपको पता लग गया होगा ज़ैंथेलास्मा जो है वैसे तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर ये किसी बीमारी का, सीरियस बीमारी का कंडीशन का एक साइन हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी जाँच करा लेनी चाहिए, ठीक है। और आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।